गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें कर रहे थे। लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे थे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और आज देखते हैं हम क्वेश्चन 28 तक मैंने करा दिए थे, पेज नंबर 299 पे 28 तक हो गए थे। 29 पढ़ रहे हैं। 29 बहुत इजी है, इसका कमेंट मैं तुम्हें लिखने को दूंगा, तुम लोग लिखोगे इसमें। मैं पढ़ता हूं 29। कहता है टू कंपनी कंपीटिंग, दो कंपनी है, एक एबीसी लिमिटेड और एक एक्स वाई जेड लिमिटेड, सेल्स द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट फॉर द ईयर एंडेड 1975, देयर फॉरकास्टेड प्रॉफिट अकाउंट आर एज फॉलोज। कहता है सेल हमारे पास 2.5 लाख की है एबीसी लिमिटेड में, एक्स वाई जेड लिमिटेड में भी 2.5 की है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कमेंट की बात है लो डिमांड और हाई डिमांड की, जो कि आप लोगों को करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आओ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन 31, 30 भी आप होमवर्क करोगे। क्वेश्चन 31 जो है हम लोग अभी नहीं करेंगे, 31 को हम करेंगे बजटरी कंट्रोल में, ये क्वेश्चन सेम है तो बजटरी में देखेंगे, फिर हम 32 पे आ जाएंगे। तो आए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर क्या है भाई, पेज नंबर है 299, पेज नंबर 299, क्वेश्चन 29। हमको निकालना है दो कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और दूसरी कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। पीवी रेशियो, प्लीज ध्यान दे जनाब, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है, वेरिएबल कॉस्ट दे तो रखी है, तो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे निकल जाएगा। एसबीसी लिमिटेड की सेल दे रखी है भैया, एबीसी लिमिटेड की सेल 2.5 लाख, तो दोनों की सेल 2.5 लाख आ गई। वेरिएबल कॉस्ट चेक करो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट इसकी और इसकी दोनों की अलग अलग है, एक की वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है और दूसरे की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1.5 लाख है शायद, 1.5 लाख, हाँ 1.5 ही है। अब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 आ गया। पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100, 50,000 का कंट्रीब्यूशन है, सेल जो 2.5 लाख की है। बोलो भैया 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख 20%। यहां 50,000 है, दोनों जगह सेम कैसे, यहां 1 लाख आएगा भाई, 1 लाख, 1 लाख बटा 2.5 लाख, तो 1 लाख बटा 2.5 लाख 40%। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स
कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट चेक करो कितनी है हमारे पास, एक में है 25,000, दूसरे में 75,000। 25,000 और 75,000, ये क्वेश्चन आसान है। ये सीए फाइनल में सिर्फ कमेंट के कारण आया और कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,25,000 आ गए, 25,000 ही ना फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 25,000 है तो डिवाइडेड बाय 0.20 तो आ गया 1,25, 75,000 है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल सी बात, इसलिए तुमसे पूछा है कि कमेंट पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द कंपनी लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन लो डिमांड और हाई डिमांड, दोनों चीजों को एनालिसिस करके दिखाना है, हाई डिमांड में भी और लो डिमांड में भी। तो हम लोग मेरी बात सुने, देखो जब लो डिमांड की बात हो, मार्केट में डिमांड कम है, जब मार्केट में डिमांड कम है तो हम लोगों के लिए पीवी रेशियो जो कम होगा बढ़िया। पीवी रेशियो मतलब ब्रेक इवन जितना कम से कम होगा, मार्केट में तुम्हारी चीज बिक नहीं रही है, उसकी डिमांड बहुत कम है, लीस्ट है, तो ब्रेक इवन जहां पर कम होगा वो ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट मत बढ़ाओ दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और हमारे पास जो बात करें पीवी रेशो की, तो पीवी रेशो तो हमारे पास जो भी ज्यादा होगा वो बेटर होता है, दोनों ही सिचुएशन में ले लो, चाहे हाई, चाहे हमारे पास हाई डिमांड हो चाहे लो डिमांड हो, पीवी रेशो तो 40% है वो हमारे लिए ज्यादा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा सही है, क्योंकि पीवी रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, तो रिकवरी होगी। हाई डिमांड की बात करें तो हाई डिमांड के अंदर अगर हमारी डिमांड ज्यादा है मार्केट में प्रोडक्ट की, तो हमारी ब्रेक इवन सेल ज्यादा भी होगी, फिक्स कॉस्ट ज्यादा भी होगी, तो दिक्कत नहीं, हम उसे रिकवर कर जाएंगे। तो आप इसे एक बार लिखना, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पेज नंबर जो है 300 पर क्या लिखोगे, चलो आप लोग दिक्कत ना करो, मैं ही लिखवा दूं, आप लिखोगे भी नहीं मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं कमेंट, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन वेदर हाई डिमांड और लो डिमांड पीवी रेशियो, हायर पीवी रेशियो, हायर पीवी रेशियो इज प्रेफरेबल बट In case of low demand, break-even sale having low break-even sales lesser break-even sale is acceptable, but in case of high demand, break-even sale can be higher. वो हायर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत है तो हम फिक्स कॉस्ट बढ़ा दें तो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये मैंने लिख दिया,
आगे देखें हमारे पास 300 पेज पे क्वेश्चन 30 आप करके लाएंगे, ब्रेक इवन निकालना सिंपल। क्वेश्चन 31 पे लिख देंगे आप, बजटरी में करेंगे, बजटरी कंट्रोल में करेंगे हम इसे। क्वेश्चन 32 कर रहे हैं 300 पेज पे। क्वेश्चन 32 पढ़े, कहता है द ग्रैंड होटल हैज एनुअल फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल टू रूम ऑफ रुपीज 15 लाख रुपए। फॉर अ 300 रूम होटल एवरेज डेली रेंट रूम हमारा 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है। द होटल इज ऑपरेटेड 365 डेज, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रूम एंड होटल मस्ट अर्न अ नेट इनकम 1 लाख की जगह 10 लाख है, 1 लाख की जगह 10 लाख कर लेना। कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रूम रेंटेड, और इसे ये बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर 100 रुपए है उस पर टैक्स कितने परसेंट लगा है बताना, टैक्स का रेट कितना परसेंट है भाई? टैक्स का रेट 30% है, 30% टैक्स का रेट है, तो 30 रुपए टैक्स के लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 आया। मैं कह रहा हूं जो मेरे पास 10 लाख रुपए है वो 70% है अपने आप में, 10 लाख रुपए 70% है अपने आप में। जब ये 70% है तो बताओ 100% क्या होगा? तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं जो कि 70% है, तो हमारे पास 14,28,571 ये मुझे कमाना है। तो सेल कितने रूम मेरे को रूम रेंट पर करने पड़ेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू। फिक्स कॉस्ट मेरे पास 15 लाख रुपए की है, डिजायर्ड प्रॉफिट 14,28,571 का, इसको 12,410 से डिवाइड करो, ठीक है भाई? तो हमारे पास 15 लाख
प्लस 14,28,571 डिवाइडेड बाय 12,410 रुपये, 236 रूम, 236 रूम मेरे को किराए पे चढ़ाने पड़ेंगे अगर मुझे प्रॉफिट इतना कमाना है। दोबारा समझा, दोबारा देखें क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास एक रूम को चढ़ाने पर किराए से 40 रुपए मिलते हैं, 6 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो पर डे के 34 रुपए मिले, एक दिन के 34 मिले, तो 365 दिन के 12,410, 15 लाख रुपए रिकवर करने, 12,410 से डिवाइड कर दिए 121 रूम, 10 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 रुपए है, उसपे 30 रुपए का टैक्स लगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 होगा। मेरी जेब में 10 लाख रुपए बचे आफ्टर टैक्स, अगर ये 70% है तो 100% कितना होगा, 14,28,571। तो सेल अगर मुझे यूनिट में निकालनी है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैंने बोला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू। फिक्स कॉस्ट 15 लाख है, इतना प्रॉफिट कमाना है, इतने का कंट्रीब्यूशन पर रूम आ रहा है, पर ईयर का एक रूम से, तो 236 रूम मुझे किराए पे चलाने पड़ेंगे। जल्दी से कॉपी करें, फिर 33 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कॉपी करें। कॉपी क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अभी 33 के बाद 34 तो हो गया होगा आपसे, जो होमवर्क वाले रिपीट क्वेश्चन थे वो नहीं करूंगा मैं। क्वेश्चन 33 देखे, कहता है जापानीज कंपनी है प्लानिंग टू एस्टैब्लिश सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर, मिनरल वाटर बनाना चाहते हैं ये,
कॉस्ट स्टडीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द इंडियन कंपनी. 40,000 बॉटल बेच रहे, मटेरियल 1,93,600, 100% वेरिएबल है. लेबर जो है 90,000 की 70% वेरिएबल, 30% फिक्स है. ओवरहेड 80,000 है, 64% वेरिएबल है, 36% हमारे पास फिक्स है. एडमिन का खर्चा 30% वेरिएबल है, 70% फिक्स है. मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव विल सेल इन इंडियन रिसीविंग 8% कमीशन ऑन सेल प्राइस. 8% कमीशन मिल रहा है सेल प्राइस को. नो पोजीशन ऑफ द जापानीज ऑफिस एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडियरी. द सेल प्राइस पर बॉटल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज 10% प्रॉफिट ऑन सेल. तो पहले हम इतनी बात कहते हैं, इसने बोला है कि भाई हमको 8% तो कमीशन और 10% प्रॉफिट मिल जाए तो हम लोग कितने रुपए की बॉटल बेचेंगे. मेरी बात सुनना, भी एक बढ़िया क्वेश्चन जो हमें करना. देखिए क्वेश्चन 33 पेज नंबर भैया 300 क्वेश्चन 33. क्या हम बोल सकते हैं सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब वो कह रहा है कि भाई हमने 40,000 बॉटल बेची तो 40,000 बॉटल ले ली, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता. लेट द सेलिंग प्राइस पर बॉटल हमने एक्स मान लिया, तो 40,000 बॉटल थी उस पर एक्स के हिसाब से हमारे पास कितना 40,000 एक्स आ जाएगा. 40,000 एक्स टोटल कॉस्ट देखो क्या क्या है. मटेरियल है 193,600, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है 90,000, डायरेक्ट लेबर के बाद जो है ओवरहेड है 80,000, उसके बाद एडमिन के खर्चे 30,000 एडमिन के खर्चे. अगली बारी कमीशन, उसने बोला है कि भाई कमीशन देनी पड़ेगी 8% ऑन सेल प्राइस, तो 40,000 एक्स पे कमीशन होगी. 40,000 एक्स पे 8% कमीशन प्लस 40,000 एक्स पे 10% मुनाफा. सेल पे 10% है ना, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है. ये टोटल कॉस्ट होगी, ये चेक कर लो, ये यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल. 40,000 एक्स लेकर दिखा दिया हमने, 193,600 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस यह आ गया 393,600 प्लस 40,000 का 8% 3200. और हमारे पास आ गया 4,000 एक्स. तो ये 40,000 एक्स माइनस 7,200 एक्स
40,000 माइनस 7200 एक्स 32,300 393,600 डिवाइडेड बाय 32,300 12 रुपए, लेकिन एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहे? तो एग्जैक्ट आना चाहिए। मैं एक बार चेक करूं, 193,600 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 3,200 4,000 ठीक है, ये हमारे सॉल्व कर 40,000 एक्स में से 7200 एक्स माइनस माफ कर दिया, घटा दिया 32,800 अब इसमें एक और चीज देखे, हमें पर्टिकुलर दे रखा, कॉपी कर ले हम लोग यहां पर रुपीज टोटल हो गया, यहां वेरिएबल ले लिया मैंने, यहां फिक्स ले लिया, डायरेक्ट 193,600 100% वेरिएबल, फिक्स का एलिमेंट कुछ भी नहीं है इसमें, फिक्स का एलिमेंट कुछ भी नहीं है इसमें, लेबर 90,000 में 70% वेरिएबल है, 63,000 27,000 रुपए फिक्स है। लेबर के बाद है ओवरहेड, ओवरहेड दे रखा है हमको 80,000 टोटल है, 80,000 का 64% 51,200 फिक्स कितना हो गया 28,800 एडमिन ओवरहेड बताओ, एडमिन ओवरहेड हमारे पास 30,000 का 30% 9,000 वेरिएबल है, बाकी 21,000 फिक्स टोटल कर दो, 27,000 रुपए प्लस 28,800 प्लस 21,000 76,800 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 193 प्लस 51,200 प्लस 9,000 253,900 ये 40,000 यूनिट के लिए, जब ये 40,000 यूनिट के लिए है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये 40,000 यूनिट के लिए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 193 में एक बार देखो, 193,600 प्लस 63,000 प्लस 51,200 प्लस 9,000 ये आ रहा है 316,800, ये 40,000 के लिए
पर यूनिट आ गया 7.92, 7.92 आ गया। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट कहता है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रुपीस फॉर इंडियन सब्सिडरी कंपनी अगर सेलिंग प्राइस 11 रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11 रुपए, सेल प्राइस अगर 11 रुपए है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, एक तो 7.92 तो है ही है, 11 रुपए पे 8% कमीशन भी है, ये भी तो वेरिएबल होगा, 11 रुपए पे 8% कमीशन, 11 रुपए पे 8% कमीशन 0.88, बोलो जी कंट्रीब्यूशन कितना पर यूनिट, 7.92 प्लस 0.88 8.88 आ गया, माइनस 2.2 ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में क्या निकलता था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सीपीयू इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 76,800, कंट्रीब्यूशन 2.20 रुपए, सेलिंग प्राइस 76,800 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू में 3,84,000। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, 3,84,000 ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को एक बार फिर दोबारा देखो आप, हमारे पास सेल प्राइस 11 रुपए लेने को बोला उसने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये निकाली थी हमने यहां से उठाई 7.92 रुपए, कमीशन 11 रुपए सेल प्राइस है तो उस पर 8% कमीशन भी होगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो 0.88 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सीपीयू इनटू में सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट ये निकाली थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रहा, सेलिंग प्राइस 11 रुपए 3,84,000। जल्दी कॉपी करें फिर देखे होंगे, हो गया होगा क्वेश्चन 35, 36, 37, 38 मैं नहीं कर रहा, ये हो गया होगा। 34 में कोई डाउट आया, 34 के थर्ड पॉइंट में तुम्हारा डाउट रहा होगा, तो 34 भी कर देता हूं मैं, तुम दुष्ट बच्चे तुम करोगे नहीं, 35, 36, 37, 38 में कोई भी दिक्कत नहीं, सिमिलर रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन तो ना करवाओ, हमारी 2 से 3 क्लास और लगेगी इसमें तब ये चैप्टर हमारा हो जाएगा, फिर हमारा लास्ट एक चैप्टर बच जाएगा बजटरी कंट्रोल,
बजटरी कंट्रोल भी मैं तुम्हें करा दूंगा, कोर्स की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक ही पॉइंट नहीं हुआ होगा, बाकी हो गए होंगे, लेकिन करना पूरा ही पड़ेगा। सेलिंग प्राइस हमारे पास 40 रुपए है, सेलिंग प्राइस 40 रुपए ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखी है भैया 22 रुपए और 3 रुपए, 22 और 3 25 रुपए। सीपीयू बताओ कितना आ गया, 15 रुपए आ गया। इसने हमसे पूछा था पहला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज बता दो, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन में सीपीयू इनटू में सेल। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, दोनों जोड़ दो, एक तो 160,000 और एक 20,000 है, 180,000। 180,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 40, तो 180,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 40, 480,000। चेक करो क्या ये याद है, 480,000। ठीक है, आगे बोलता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 120,000। तो हमारे पास सेल यूनिट बता, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन दिस। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 180,000, 120,000 का मुनाफा करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है कितना, 15 रुपए। तो 180,000 डिवाइडेड बाय 15 इनटू में 180,000 प्लस 120,000 डिवाइडेड बाय 15, 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। कॉपी हो गया होगा ये, इसीलिए मैंने लिखा रखा कि आप कॉपी कर ले। अब उसने क्या पूछा है, अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट है जिसके लिए क्वेश्चन पूरा कराना पड़ा, जो होमवर्क के रिपीट क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर में इसमें क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम 15% ऑन सेल, तो हमें सेल पता ही नहीं है, तो लेट द सेल एक्स, लेट द सेल्स एक्स। जब सेल है तो एक्स है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट पॉइंट 20x हो गया। ठीक है भाई, 20x हो गया। सेल का फॉर्मूला क्या होता था, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू इनटू में सेलिंग प्राइस। सेल हमारे पास क्या है, एक्स, फिक्स कॉस्ट 180,000, डिजायर्ड प्रॉफिट पॉइंट 20x कमाना, सीपीयू जो है वो 15 रुपए, सेलिंग प्राइस 40 रुपए दे रखा है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, ये 15x हो जाएगा।
1,80,000 इंटू में 40 72,00,000 डिवाइडेड बाय 7 कैलकुलेशन एरर कर दी थी हमने 1,80,000 इंटू में 40 सेल्स यूनिट वाइज मान लेट द सेल्स यूनिट इज एक्स सेल प्राइस तो पता है सेल प्राइस 40 है और यूनिट एक्स है सेल प्राइस 40 और यूनिट क्या है एक्स है अगर आपका भी डाउट रहा होगा तो यही अटके होंगे आप तो हमारे पास दिक्कत नहीं है एक्स यूनिट है यूनिट एक्स है दोबारा देखो क्या गलती कर रहे हैं कहता है नंबर ऑफ इंट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ओ माय गॉड गलती करी ना 20% ले रहे हैं 15% है मैं सोचू क्या गलत कर दिया तो हमारे पास थर्ड पॉइंट लेट द सेल्स एक्स प्रॉफिट 15% है पहले 20 ले रहे थे इसलिए गलत हो रहा फाइन 15x डिजायर्ड प्रॉफिट सेल हमारे पास रुपीज में फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू इनटू में सेल प्राइस ये हमने सेल एक्स मानी हुई है भाई मैं सोचू क्या दिक्कत है हम 0.20x ले रहे थे भाई गलती से 0.15x सीपीयू 15 रुपए
40 हो गया, ये 15x आ गया था। और इसको सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन 34 कॉपी हमारे जरे 35, 36, 37, 38 मैं नहीं कराऊंगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन 39 हम कर रहे हैं, 39 पढ़े। द बस्टेड सेल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर एज फॉलोस। सेल दे रखी है 50,000, 60,000, 1,00,000, 30,000 और 40,000। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1,00,000 की फिक्स कॉस्ट है, हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। चलो आओ भाई जल्दी करें। क्वेश्चन 39 कॉपी कर लो, छोड़ दो। क्वेश्चन 30 में हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। ए की सेल है 50,000, 50,000, 60,000 और फिर कितनी है 1,00,000 और फिर कितनी है 30,000 और फिर 40,000। पीवी रेशियो लगा दो, उस पर पीवी रेशियो लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
पीवी रेशो 50% है, 50% यहाँ, 40% है यहाँ, 20% है, 30% है, 25% है, 25%। तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लो क्या क्या आ रही है, 50,000, 25,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कॉपी करके टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया ये सभी प्रोडक्ट का, पांच प्रोडक्ट है ए बी सी डी ई, तो पांचों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जोड़ दिया 25,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 88,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी 1,00,000 की, फिक्स कॉस्ट 1,00,000 की है भैया, मुझे लॉस आ गया, लॉस आ गया 12,000। इसने बोला है कि अगला टॉपिक सजेस्ट अ मैनर इन विच द लॉस इफ एनी कैन बी मेड गुड ऑन द अजम्पशन दैट द सेल्स ऑफ एनी वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज एट वन टाइम। भाई साहब ये जो लॉस है 12,000 का, ये कब अच्छा होगा, जब ये रिकवर हो जाएगा, बात खत्म। तो किसी भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 12,000 से बढ़ा दो, सुन लो ध्यान से, लॉस है 12,000 का, लॉस 12,000 का है, अगर हम कंट्रीब्यूशन के किसी भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 12,000 से बढ़ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन आ जाएगी और ये लॉस रिकवर हो जाएगा, और लॉस रिकवर हो जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो दिक्कत तो वही कह रहा था, ये सजेस्ट अ मैनर इन विच द लॉस द लॉसेस इफ एनी कैन बी मेड गुड ऑन द अजम्पशन दैट द सेल्स On the assumption that the sales of any sales of only one of the commodity can be increased at a time. तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, loss can be if contribution of any one product can be increased by 12,000 का ही लॉस है। कंट्रीब्यूशन अगर किसी भी प्रोडक्ट का 12,000 से बढ़ गया तो ब्रेक इवन की सिचुएशन आ जाएगी, और ब्रेक इवन क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आज का लास्ट क्वेश्चन ऑल कर लेते हैं, हम बड़े क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 40 पढ़ रहे हैं हम, जल्दी कॉपी करें, क्वेश्चन 40 करेंगे। मेरा मानना है मैक्सिमम 2 क्लास और लगेगी, हाँ।
पढ़ो भाई, क्वेश्चन 40 कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं तो 40 कर लेते हैं। कहता है कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर द बेस ईयर प्रीवियस ईयर। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000 थी पहले, फिक्स कॉस्ट हमारा 20,000 था, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए थी, मटेरियल 2 रुपए था, ओवरहेड 80 पैसे था, सेलिंग प्राइस 10 रुपए। इन प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द करंट नोटेड कुछ चेंजेस है हमारे पास कि हम इस बार 15,000 यूनिट बेचेंगे और बनाएंगे और बेचेंगे। फिक्स ओवरहेड 5,000 से बढ़ गया, लेबर की एफिशिएंसी 20% से घट गई। लेबर रेट नहीं घटा 20% से, लेबर की एफिशिएंसी घटी। आगे स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है मटेरियल पे 2.5% का, वेरिएबल ओवरहेड है 1/4%, सेलिंग प्राइस 10% से गिर गया। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों कंडीशन में बताओ, हम लोगों का प्रॉफिट अगर बेस ईयर कंडीशन पे डबल कमाना हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न द करंट ईयर प्रॉफिट टू बी मेंटेन। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हम आज का कर रहे हैं। अभी हमारी 2 क्लास लग जाएगी और फिर हम देखेंगे। फिर बजटरी कंट्रोल का तुम्हारा एक टॉपिक रहना था, और जिन बच्चों ने टाइमली ज्वाइन करा था उनका 100% सिलेबस ओवर हो जाएगा। मैंने बोला था अप्रैल तक हर हाल में, अगर लॉकडाउन का चक्कर नहीं होता तो मैं उससे पहले ही खत्म कर देता। चले हमारे पास क्वेश्चन 40 है, पेज नंबर 302, पेज नंबर 302, क्वेश्चन नंबर 40। बता भाई क्या क्या दे रखा है। दो सिचुएशन बना देता हूं, पास्ट ईयर करंट ईयर। भाई पास्ट ईयर में क्या था मेरे पास, एक बार देखो। हमारे पास जो था सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस 10 रुपए था, सेल प्राइस 10 रुपए था, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर कितनी थी, लेबर थी, मटेरियल था, लेबर 4 रुपए की थी, लेबर 4 रुपए, मटेरियल सब वेरिएबल होते हैं। मटेरियल कितना था, 2 रुपए का था, और ओवरहेड वेरिएबल के कितने थे, 80 पैसे के थे। सीपीयू निकालने उससे वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल ओवर है 10 रुपए में से माइनस कर दिए मैंने 6 रुपए 80 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन। और क्या थी बातें, फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 20,000, 20,000। आज की सिचुएशन में सेल प्राइस 10% घट गया, तो 10 रुपए को 10% घटाया तो 9 रुपए हुए। वेरिएबल कॉस्ट में लेबर की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी घटी। बच्चों ये बात सुनना ध्यान से, वो 1 यूनिट बनाने के पहले 4 रुपए लेता था लेबर के, अब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई तो 20% कम बनाएगा। वो 0.80 यूनिट बनाने के अब 4 रुपए ले रहा है, तो 1 यूनिट बनाने के क्या दाम होंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा। 4 रुपए डिवाइड बाय 0.8 यूनिट इंटू में 1 यूनिट, 5 रुपए आ गया। ये लेबर कॉस्ट नहीं घट रही, उसकी एफिशिएंसी घटी है। लेबर कॉस्ट का घटने का मतलब लेबर के प्राइसेस घट जाना, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी घटने का मतलब उसके
लेबर की कॉस्ट का बढ़ जाना। दोबारा देखो, एक यूनिट बनाने में 4 रुपए देते थे हम ये लेबर के, उसकी एफिशिएंसी 20% से कम हो गई, तो एक यूनिट का 20% कम बनाएगा, तो एक यूनिट का 20% कम बनाएगा तो 0.20 यूनिट कम बनाएगा, तो 0.20 यूनिट कम बनाएगा तो हमारे पास कितनी आ गई 0.80 यूनिट, और 0.80 यूनिट के हम कितने रुपए दे रहे हैं 4 रुपए, 4 रुपए 0.80 यूनिट के दे रहे हैं, तो एक यूनिट के कितने पैसे जाएंगे 5 रुपए लेबर कॉस्ट। मटेरियल में देखो कितनी गिरावट है, मटेरियल में गिरावट बोली है उसने भाई, मटेरियल 2.1% मटेरियल था 2 रुपए का, 2 रुपए का 2.1% तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दो रुपए का ही घटा दो, 2 to 4, 5, 5/2 होता है, 5/2 बन जाएगा, इनटू में 2 - 2 सॉल्व कर लेंगे आप 1.95 वेरिएबल ओवर है, 0.80 था, 0.80 का 1/4% है, तो 4 × 1 = 5/400 इनटू में 0.80 - 0.80 0.79 कॉन्ट्रीब्यूशन पर -5 - 1.95 - 0.79 - 1.26 फिक्स कॉस्ट यहां बढ़ चुकी है 5000 से, तो जो 20,000 थी वो 5000 से बढ़ा दी, तो भाई साहब आज की डेट में 25,000 हो गई। अब पूछो उसने क्या क्या बोला, उसने बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताओ दोनों ईयर, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, तो भाई फिक्स कॉस्ट अपॉन मिस यूनिट 20,000 थी ना, सीपीयू थी 6,250 यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपी 25,000 बटे में 1.26 रुपए 25,000 डिवाइडेड बाय 1.26 रुपए 19,841 कितनी यूनिट बेचने पड़े। आगे बोल रहा है कि भाई द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू डबल द प्रॉफिट इन द बेस ईयर कंडीशन, डबल द प्रॉफिट, पहले तो सिंगल प्रॉफिट ही पता लगाओ तभी तो डबल करेंगे, तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट कैसे, क्या दिक्कत है, हम लोग कॉस्ट में कितनी यूनिट बेच रहे थे, हम लोग पास्ट में कितनी यूनिट बेच रहे थे 10,000, हर यूनिट पर 32 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन 32,000 आ गया। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, फिक्स कॉस्ट थी 20,000 की, प्रॉफिट 12,000 आ गया, तो डिजायर्ड प्रॉफिट बोल रहा है इसका दोगुना, 12,000 का डबल प्रॉफिट कमाना है 24,000, तो सेल का फॉर्मूला इन यूनिट फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन द सीपी, बेस ईयर कंडीशन क्या थी, फिक्स कॉस्ट 20,000 की है, 24,000 का प्रॉफिट कमाना है, दुगना कमाना है जो हम कमा रहे हैं उससे, 3 रुपए 20 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन, 44,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपए 20 पैसे 13,700 ये सेकंड पॉइंट था।
बात बोलता है थर्ड पॉइंट में कि भाई साहब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर टू मेंटेन द प्रॉफिट लेवल ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, डबल नहीं नॉर्मल प्रॉफिट, ये 12,000 रुपए प्रॉफिट यहां कमाना सेल यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अकाउंट, फिक्स कॉस्ट बढ़ चुकी है 25,000, डिजायर्ड प्रॉफिट ये रहा, देखो ये एरो जा रही है यहाँ, ये एरो यहाँ चली गई, ये डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000 कमाना है, दुगना नहीं कमाना 12,000 ही कमाना है, दुगना तो इस क्वेश्चन के लिए था, उसने बोला था डिजायर्ड प्रॉफिट दुगना कमाना है यहाँ पे, करंट ईयर में तो उतना ही कमाना था, 1.26 रुपए, तो 25,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 29,300 पैसे, तो 29,300 पैसे आज। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, जो क्वेश्चन मुझे खुद ही लगेंगे ट्रिकी है वो मैं खुद ही कराऊंगा, लेकिन जो सिमिलर होंगे वो मैं आपको दूंगा करने को, क्योंकि फिर एग्जाम में कैसे करोगे भाई, तुम जो यही नहीं कर पाओगे तो कैसी बात होगी, जो रिपीटेशन नहीं कर पा रहे तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही, आप कॉपी कर लो। कंफ्यूज ना हो ना, डायरेक्टली बताओ। कर ले आप कॉपी जल्दी से।